वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, अपनी लाइफ को और दिन को एंजॉय कर रहे हो। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, आप हमसे जल्दी से जल्दी वहां पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक्स वगैरह भेज सकते हैं। स्पीड काफी तेज हो गई है, वही ना, तू रैपर बन जाओ जाते सीरियसली तुझे रैपर बनना चाहिए। तो हमारे बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लाजमी आज चेकआउट कर लेना। तो वजाद इंट्रो देना। ओके, मेरा नाम वजाद है और मैं हूँ वशिर। सो गाइस, काफ़ी लोगों ने बोला कि इंडियन रोड्स वर्सेस पाकिस्तानी रोड्स पर रिएक्ट किया जाए 2020 का कंपेरिजन, मतलब 2020 में, मतलब कौन से रोड कैसे हैं, कौन से रोड कैसे हैं, तो उसका कंपेरिजन हम लेकर आ गए। तो मिस्टर कमरान की वीडियो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी चेकआउट कर लेना। तो काउंट ऑन करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान वर्सेस इंडियन रोड, हो इंटरेस्टिंग है। रोड्स की हमारी डेली लाइफ में बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, रोड्स की मदद से हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का अंदाजा उस कंट्री के रोड से लगाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी जैसा लगता है बंदा। इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान और इंडिया के रोड्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर, यार लाजमी यार कर लो, मजा आएगा सीरियसली, बहुत प्यारे यार, अनबेस्ट रेकर बनाता है वीडियो, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। अगर पाकिस्तान और इंडिया के रोड्स को क्वालिटी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इंडिया नंबर 46 पर है और पाकिस्तान नंबर 70 पर है। और वहीं पर अगर पाकिस्तान और इंडिया को रोड नेटवर्क साइज के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो इंडिया नंबर 2 पर है और पाकिस्तान नंबर 22 पर है। मतलब अमेरिका में सबसे बाद इंडिया दूसरे पे था, वो 1830 में बनाया गया था। और पाकिस्तान में सबसे पहला रोड 1860 में बनाया गया, मतलब जब सब इंडिया था, बनाए थे इंडिया, दोनों कंट्रीज एक हुआ करते थे। टोटल रोड नेटवर्क लेंथ, पाकिस्तान में टोटल रोड नेटवर्क की लेंथ 264,000 किलोमीटर है। अच्छा, और इंडिया में टोटल रोड नेटवर्क लेंथ 59,03,000 किलोमीटर है ओनली। इंडिया में 1,01,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे नेटवर्क है, 1,76,000 किलोमीटर का स्टेट हाईवे नेटवर्क है, 5,62,000 का अदर पीडब्ल्यूडी रोड नेटवर्क है, 39,05,000 किलोमीटर का रूरल रोड नेटवर्क है, 5,09,000 किलोमीटर का अर्बन रोड नेटवर्क है, 3,19,000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रोड नेटवर्क है। और वहीं पर पाकिस्तान में 3,766 किलोमीटर का मोटरवे नेटवर्क है, 1,00,000 किलोमीटर का हाईवे नेटवर्क है, 75,000 किलोमीटर का रूरल रोड नेटवर्क है और 85,000 किलोमीटर का अर्बन रोड नेटवर्क है। अच्छा, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट के लिए रोड्स को बनाना बहुत ही आसान और सस्ता काम है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। तो अब जान लेते हैं कि दोनों कंट्रीज में रोड की कंस्ट्रक्शन कास्ट क्या है। अच्छा, तो हम 1 किलोमीटर रोड की कंस्ट्रक्शन कास्ट के बारे में जानेंगे। तो पाकिस्तान में 1 किलोमीटर मोटरवे की कंस्ट्रक्शन कास्ट 810 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। 1 किलोमीटर हाईवे की कंस्ट्रक्शन कास्ट 4 से 6 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। मोटरवे पे जाहिर ही बात है, वो एक अलग ही लेवल आता है। रोड के मोटरवे हाँ ज्यादा कंस्ट्रक्शन कास्ट 2 से 3 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। तो 1 किलोमीटर और इंडिया में 1 किलोमीटर एक्सप्रेस वे की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आती है वो है 4 से 5 करोड़ इंडियन रुपीस। और 1 किलोमीटर हाईवे की कंस्ट्रक्शन पे जो कास्ट आती है वो है 2 से 3 करोड़ इंडियन रुपीस। हिसाब उधर ही जा रहा है। और इंडिया में नॉर्मल रोड के 1 किलोमीटर पर जो कंस्ट्रक्शन उधर ही जा रहा है 2 रुपए है 1 करोड़ इंडियन रुपीस। स्पीड लिमिट्स, तो पाकिस्तान में जो मोटरवे पर स्पीड लिमिट है वो है 110 ये सबसे बेस्ट रोड है मोटरवे हैवी व्हीकल्स के लिए और 120 किलोमीटर पर और कार्स के लिए। तो इंडिया में क्योंकि मोटरवे नहीं है इसलिए तो हम हाईवे पे बगा रहे होते हैं गाड़ी। तो इंडिया में सीरियसली पे स्पीड लिमिट
यानी हमारा वहाँ मोटरवे है, उनका एक्सप्रेसवे है। हाँ। पाकिस्तान में हाईवे बराबर है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। हाँ। इंडिया में भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है। बगा ज्यादा रहे होते हैं भाई। रोड रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तान में आम रोड्स पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ। लेकिन मोटरवे पे गवर्नमेंट की तरफ से काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे पाकिस्तान में मोटरवे पर बाइक अलाउड नहीं है। हाँ। कार्स अलाउड हैं, लेकिन वो कारें जिनका इंजन 400 सीसी से उससे नीचे कौन सी है, ओवर स्पीड अलाउड नहीं है। यूज्ड टायर वाली व्हीकल्स अलाउड नहीं है, जिन व्हीकल्स के जो टायर के पैटर्न होते हैं वो रक्षे वगैरह नहीं होते हैं। सिर्फ मेंटेन्ड व्हीकल्स अलाउड हैं। ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है और ड्राइव के दौरान सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। जो हम हाईवे पे बिल्कुल नहीं पहनते। ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। वही हाल है एक्सप्रेस वे पे, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस वही पाकिस्तान वाले साहब। इंडिया में एक्सप्रेस वे पे स्पीड लिमिट को क्रॉस करना भी अलाउड नहीं है। पहनना भी जरूरी है जैसे है। अच्छा, उनके एक्सप्रेस वे पे बाइक्स वगैरह अलाउ है। इंडिया में एक्सप्रेस वे पे और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादा वो करतारपुर के ओपन होने के बाद इंडिया से काफी लोग जो है वो पाकिस्तान में आते हैं। उनका एक्सपीरियंस पाकिस्तानी रोड्स के बारे में काफी पॉजिटिव है। तो गिप्पी ग्रीवाल पाकिस्तान में आए थे करतारपुर में। हाँ, तो उन्होंने भी मोटरवे के बारे में काफी तारीफ की। मोटरवे पाकिस्तान की मोटरवे कनाडा और यूरोप के स्टैंडर्ड के मुताबिक है। उन्होंने कहा मोटरवे अच्छी है, बात पाकिस्तान में है, बल्कि मोटरवे की वजह से उन्हें ये लगा कि वो कनाडा या यूरोप में है। एक्सपीरियंस नहीं मिला लोगों का, तो अगर कोई भी पाकिस्तानी इंडिया गया हो तो वो अपना एक्सपीरियंस कॉमेंट में जरूर बताए। फ्यूचर आप लोग ही बता सकते क्योंकि आप लोग वहाँ पे ज्यादा। पाकिस्तान में भी 10+ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रोड्स के ऊपर, जिनमें हमारा ओवरऑल पाकिस्तान हो गया मोटरवे। M14 कराची तक अब हो गया। वो बन रहे हैं पे काम, कुछ इधर से नारान तो हो गया। 2021 तक इन मोटरवेज की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये एक 1500 किलोमीटर का मोटरवे प्रोजेक्ट है। इसके अलावा भी नई गवर्नमेंट के आने पर पाकिस्तान में और भी कई जो रोड्स हैं उन पे काम चल रहा है। और वहीं पर इंडिया में भी 80+ रोड नेटवर्क जो है वो 80+ भाई इंडिया का मतलब साइज पे बहुत डिपेंड करता है। स्टेट्स हैं उनका, एक स्टेट पाकिस्तान से बड़ा प्रोजेक्ट में पूरे ऑल ओवर इंडिया एक्सप्रेसवे का एक जाल बिछाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मजीद बेहतर हो। तो यही था कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ आपने इन दोनों कंट्रीज के जो रोड नेटवर्क सिस्टम है उसके बारे में काफी कुछ जाना होगा। अगर आपको वीडियो तो यार इधर ही वीडियो खत्म हुई। आप लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में यार, लाजमी इस भाई को सब्सक्राइब करना। तो यार ये थी वीडियो, मतलब आप कंपैरिजन क्या करें, इंडिया इतना बड़ा है उसका जाहिर बात है वो चीज बड़ी होगी यार। वो उनका ज्यादा है ठीक है, रोड ज्यादा है, दूसरे नंबर पे वर्ल्ड में आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे सोच चाइना भी नहीं है, मतलब जितना इंडिया, चाइना कितना बड़ा है इंडिया से, इंडिया से बड़ा है, उससे भी ज्यादा है इधर इंडिया में। वही तो सेकंड नंबर पे आ रहा है भाई। तो सेकंड नंबर पे, ये मुझे नहीं पता था, मैं समझा था थर्ड पे हमारे। अच्छा, फर्स्ट पे अमेरिका जनाब बैठा हुआ। तो अमेरिका तो होगा ना, जाहिर बात है उसका तो था ही था कि अमेरिका यार चीज में फर्स्ट पे है तो इधर क्यों पीछे रहे। और यार आप लोग बताना, मतलब कि आप लोगों का जो एक्सप्रेस वे है उस पे बाइक्स वगैरह अलाउ है कि नहीं है अलाउ। हाँ ये बताना यार, क्योंकि हमारे वाले पे नहीं है। मार्ट मार के बाहर फेंकते मोटर में से। हैवी बाइक्स अलाउड हैं, हैवी बाइक्स वो अलाउड हैं तो, लेकिन जो आम छोटी बाइक्स हैं 100 सीसी से कम वाली वो नहीं, वो अलाउ नहीं है। अच्छा, आप बकाया आते हैं क्वालिटी पे। यार क्वालिटी तो मतलब कि अब जिस तरह के रोड हैं ठीक है, उस तरह अच्छी है, दोनों की अच्छी है, दोनों की अच्छी है सीरियसली। और बकाया और जो अच्छी लिहाज लगाया जाए तो 46 नंबर पे आता है जो मटीरियल यूज किया गया, ज्यादा इंडिया अच्छा मटेरियल पाकिस्तान से यूज करता है। ये बात इस भाई ने खुद बताई है क्योंकि जो रैंकिंग हाँ, में ना? रैंकिंग में हाँ, जो मतलब इंडिया जो रोड के लिए मटेरियल यूज करता है वो था 46 नंबर पे था और हमारा 70 नंबर पे था। मतलब मटेरियल के लिहाज से इंडिया का बेस्ट है। और मोटरवे के लिए यार जो मटेरियल है उसको मैं बोलता हूँ वो टॉप क्लास यूज होता है। हाँ। वो इधर भी टॉप क्लास यूज होता है, लेकिन आम रोडों के लिए फिर पता है आपको यार क्या सीन है तो क्या सीन नहीं है। और यार मतलब कोई लिमिट शिमिट तो नहीं, सीट बेल्ट हाईवे पे तो कोई नहीं लगाता और मतलब 120-140 भी मारते हैं हाईवे पे। यहाँ आप लोग अपने का बताना, मैं सही से नहीं पता, लेकिन यहाँ पे पकड़ लें तो फिर फाइन ठोकते हैं, फाइन ठोकते हैं मतलब। लेकिन गर्मी है यार, कौन कहाँ निकलते हो भी अंदर, एसी लगा के बैठे होते हैं चुपचाप, मतलब जा ही जाओ। और इसमें जो प्रोजेक्ट्स की बात की है, इंडिया में भी 80+ रोड प्रोजेक्ट और पाकिस्तान में 10+।
मतलब इंडिया यार जाहिर बात है उधर ज्यादा होंगे उधर वो जो पूरे इंडिया में जाल बिछाया जाता है ये इलेक्ट्रिक हाईवे वो हमने देखा था जो फोर इलेक्ट्रिक होगा पता नहीं मुंबई से कहाँ तक दिल्ली तक मे बी आप लोग अच्छे से बताना और ये इलेक्ट्रिक हाईवे था और बाजार वो याद है तुझे पाकिस्तान में भी मतलब वो जो फुल मोटरवे का जाल बिछाया जा रहा है जिससे इजी हो जाएगा मतलब हाईवे पे हमारे पहले इस्लामाबाद से कराची हम जाते थे तो हमारा टाइम लगता था 24 hours और अभी तो लगेगा अभी 16 घंटे लगते हैं हाँ अभी 16 लगते हैं लेकिन अभी बीच में 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर का रह गया ना वो मतलब मोटरवे रह गया वो वहां से फिलहाल वो मतलब हाईवे पे वो बन रहा है तो उससे 300 किलोमीटर रह गया और पहाड़ी एरियाज तक भी मोटरवे हो गया तो मतलब काफी अभी अच्छा हो गया सब तो इंडिया का आप भी बताना यार इंडिया में जाहिर बात है उधर भी काफी वो बहुत ज्यादा होगा उधर तो बहुत ही ज्यादा यार वो हो रहे हैं हमने देखे हैं प्रोजेक्ट्स काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं क्योंकि हमें पाकिस्तान के बारे में ज्यादा पता है हमने तब आपको बताया आपको इंडिया के बारे में ज्यादा पता होगा तो आप बताइएगा तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़ नमस्ते एंड सत श्री अकाल